उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अराची लाइन और सेवापुरी ब्लॉक में बाल व बंधुआ श्रमिक होटल, ढाबों, ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों, दुकानों एवं निर्माण कार्यों आदि जगहों पर कार्य कर रहे बाल श्रमिकों को मुक्त एवं मदद करने और बाल व बंधुआ श्रम एवं बाल व्यापार मुक्त समाज बनाने की ओर ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली के सहयोग से एक्शन एंड लखनऊ द्वारा संचालित स्टार 3 परियोजना के जिला समन्वयक सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहने वाले राजा तालाब निवासी आरटीई सोशल एक्टिविस्ट राजकुमार गुप्ता ने राजा तालाब तहसील के अराजी लाइन और सेवापुरी विकास खंड के 2 दर्जन से अधिक गांवों में मुहिम चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने ऐसे प्रभावित कई गांवों का दौरा भी किया। राजकुमार ने बताया कि श्रम विभाग और मनरेगा में पंजीकृत श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के अकुशल और गैर पंजीकृत मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर श्रमिकों और उनके बच्चों को उनके पूरे हक दिलाने के साथ ही बाल व बधुआ श्रम, बाल व्यापार, मानव तस्करी मुक्त समाज के लिए प्रयास किया जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण के लिए उक्त ब्लॉक के 2 दर्जन से अधिक गांव में 2-2 स्वयंसेवक तैयार करेंगे जो श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं की जानकारी प्रदान कर योजनाओं से लाभान्वित कराने के साथ बाल संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। इस अभियान से जुड़े असहाय और बेसहारा वंचित समुदाय के बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। इस संदर्भ में गांव-गांव जाकर राजकुमार गुप्ता अपनी टीम के साथ भ्रमण कर उनकी समस्या का समाधान संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वार्ता कर रहे हैं। मंगलवार को अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र प्रताप सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी स्कंद गुप्ता सहित बाल विकास परियोजना विभाग के आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, सहायिकाओं आदि कई विभागों के अधिकारियों से मिलकर राजकुमार ने स्टार 3 परियोजना के बारे में लोगों को बताया और उक्त लोगों ने पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है जिसको लेकर बनारस सहित पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनरत है। तमाम सामाजिक संगठन के साथियों ने भी आंदोलन छेड़ा है किसानों के समर्थन में। विगत 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसानों द्वारा किया गया था। बनारस के तमाम संगठनों ने भी उसका समर्थन किया गया था। आज कछवा सब्जी मंडी बंद है, कल हो सकता है राज का सब्जी मंडी बंद हो। इस तरह की रणनीति के तहत किसानों के आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। जब किसानों के समर्थित नेता हैं, चाहे मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर हैं, चाहे पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगीराज सिंह पटेल है, तमाम लोगों को पुलिस नजरबंद घर पे कर दी गई, यानी उनको घर पे ही गिरफ्तार करके रखा गया है और उनका लगातार दमन किया जा रहा है। उसका हम लोग मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं किसानों के जायज मांगों का विचार करें। जो कानून लाया गया है, लगभग दर्जनों किसान आंदोलन दस थे, उनकी मौत हो जाती है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। हम देश के सबसे बड़े पद पे आसीन राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप व्यक्तिगत पहल करते। अखंड भारत न्यूज के लिए विनोद कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, वाराणसी।